हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एनसीईआरटी जो थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसकी 3.3 एक्सरसाइज। कौन सी? 3.3 एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। जो मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड टू टाइप के थे, पहला था सब्स्टिट्यूशन और सेकंड कौन सा है भी, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमें जो दो वेरिएबल थे एक्स या वाई या जो भी दिए हुए थे, हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स और वाई की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, थर्ड चैप्टर और एक्सरसाइज 3.3 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। लेकिन ओल्ड जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर है 3.4। ओके, चलिए स्टार्ट करें। अपनी पेंसिल, नोटबुक, रफ नोटबुक, एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखो और हम क्या भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है उसको, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का। ओल्ड में है 3.4 एक्सरसाइज, लेकिन न्यू में कौन सी है, वो है 3.3 एक्सरसाइज। स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज है 3.3। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कर है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या दी है देखो एक बार। स्टेटमेंट जो है, हमें लीनियर इक्वेशन दे दी, उसका पेयर दिया हुआ है, ठीक है। हमें वेरिएबल जो दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, किसका यूज करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे इसमें, इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या कहता है, हमें दो इक्वेशन दे दी। फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक दिया हुआ है, 2x माइनस माइनस दिया हुआ है 3y। क्या दिया हुआ है? माइनस 3y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें दे दी। कितनी इक्वेशन दी गई है? दो इक्वेशन। एक ही इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड, ठीक है। चले आगे, अब ध्यान से देखूंगा। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हम एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को या फर्स्ट को या सेकंड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो दोनों में एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल आए, क्या है, इक्वल आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2x है, यहाँ पे कितना है, x है। अगर हम इसको इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, कर दें, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन 2 को किस में से माइनस कर दें, फर्स्ट में, तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू बचेगी, y की वैल्यू आएगी। जब y की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे y की वैल्यू +1 है, यहाँ पे -3 है। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 3y, और नीचे कितना है, माइनस का 3y, एक प्लस का 3y, एक माइनस का 3y, तो कट जाएगा, ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो बैटरी ये रहेगा, हम ये इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद 3। हमें इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, एंड एडिंग इन इक्वेशन सेकंड, और किसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा इसके बाद स्टेप। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या आएगा, 3x प्लस का साइन तो प्लस, ये क्या आएगा, 3y, 3 5 15 आएगा। अब इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे ही रखेंगे, 2x माइनस
थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाती है थ्री, ये इक्वेशन बन जाती है फोर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, एडिशन, एडिंग, हमने ऐड किया। जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके साइन चेंज नहीं होते। क्या है, जब दो इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तब उनके साइन चेंज नहीं होंगे। श्योर चले तुझे? तो नेक्स्ट, अब देखो ये कितना है यहाँ पे, ये प्लस का थ्री है, ये माइनस का थ्री है, तो कट जाएगा। अब ये क्या है, थ्री एक्स प्लस का है, टू एक्स भी किसका है, प्लस का है। थ्री एक्स प्लस टू एक्स कितने हो जाएंगे, फाइव एक्स, कितने हो जाएंगे, फाइव एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है, फिफ्टीन, और ये कितना है, फोर। फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नाइनटीन बाय फाइव, इतना हुआ। अब इस x की वैल्यू चाहे इक्वेशन वन में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर टू में पुट करें, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। थ्री और फोर में हमें पुट नहीं करना, हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। चले तो अब लिखेंगे, इसके बाद स्टेप आएगा पुट, क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू नाइनटीन बाय फाइव इन इक्वेशन, किसे पुट करें, फर्स्ट, मान लिया किसे पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट किया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू से पुट करें तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, फाइव। अब x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 19 बाय फाइव, तो x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 19 बाय फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। चले अब यहाँ पे कितना है, 19 बाय फाइव प्लस में है, और उधर जाके किस में हो जाएगा, 19 बाय फाइव माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू फाइव माइनस 19 बाय फाइव, एलसीएम कितना आएगा, फाइव आएगा ना, एलसीएम आएगा यहाँ पे फाइव आया, फाइव फाइव जा 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 कितना होता है, सिक्स, कितना आएगा, सिक्स बाय फाइव। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई, x कितना आया था 19 बाय फाइव, और y कितना आया बेटा, 6 बाय 5, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। अब स्टेटमेंट कहता है ये, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको किससे भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, ठीक है। वो हमने क्या है, एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 थी न्यू एनसीईआरटी में हमने कर चुके हैं, और ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो उसका यूज करके आप क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, किसका यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, ठीक है। तो अब ये हमारा न्यूमेरिकल क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। वैसे अगर इसे सेकंड पार्ट करने से पहले अगर हमें वेरिफिकेशन करना है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि वेरीफाई ऑल्सो, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, ठीक है। चले तो अब है नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, क्या करें, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया कि x की वैल्यू को y की वैल्यू को पुट करो, जैसे हमने एक्सरसाइज किया था स्टार्टिंग में, किया था ना स्टार्टिंग में। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं, एक की देख लेते हैं, बाकी क्या है अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, तो अब है वेरिफिकेशन, क्या आएगा, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, पुट x कितना आया है 19 बाय 5, y कितना आया बेटा 6 बाय 5, इसकी वैल्यू 1 में पुट करेंगे, एक बार किस में पुट करेंगे, सेकंड में, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये कितना आएगा बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब पुट करें x की वैल्यू, 19 बाय 5 पुट किया, y की वैल्यू कितनी है 6 बाय 5, ठीक है। एलसीएम कितना आया बेटा इधर, 5 आया, तो कितना बचेगा 19 प्लस 6, तो कितना हुआ 19 प्लस 6 25 बाय 5, तो कितना है 5 5 जा 25, तो 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड की इक्वल आई, ठीक है। चले कि चले पक्का श्योर, तो ये हुआ, ये तो हमारा वैल्यू आई। और सेकंड में भी वेरीफाई करते हैं, सेकंड में क्या दिया, 2x माइनस 3y दिया है, तो पुट करें यहाँ पे, x के लिए कितनी आई थी 19 बाय 5 माइनस 3, y कितना है बेटा 6 बाय 5,
इज इक्वल टू 4, 19 टू जा 38 बाय 5 आएगा, 6 थ्री जा 18, ठीक है, ये कितना आया 38 माइनस 18, एलसीएम आएगा ना 5, तो कितना आया 20, 38 माइनस 18 20 बाय 5, दिस इंप्लाइज कितना आया, इसको तो हम रख लेते हैं यहां पे, इसके बाद ये कितना आएगा 20 बाय 5 इज इक्वल टू 4, 5 4 जा 20, तो 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड किसके आई, राइट हैंड साइड पे, तुम्हारा वेरिफिकेशन क्लियर हुआ, तो आंसर क्या है हमारा, x की वैल्यू है 19 बाय 5, y की वैल्यू कितनी थी 6 बाय 5, ये हमारा क्या आया आंसर, फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखो जल्दी से एक बार, स्टेटमेंट राइट डाउन करो एक बार, इसको रख कर देते हैं, क्लियर आया, समझ में आया आपको तो कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो बैच है, ये बैच है गति के नाम से, हम डालेंगे गति, आपके मार्क्स है ना, मार्क्स में हमें क्या देना है, गति देनी है, गति का मतलब होता है इसको आगे तक लेके जाना है, ठीक है, चले। तो नेक्स्ट, तो सेकंड पार्ट देखो ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये दे दी, दूसरी देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये दे दी, दे दी हमें दो इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3x, यहाँ पे है 4y और यहाँ पे कितना है 10। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट, अब इसको इसके नीचे लिख दे ताकि सिंपलिसिटी हो जाए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर क्या है 2। अब ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे है 2x, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल कब हो सकता है, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 6, मतलब उल्टा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इससे, तो आपस में इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे है 4y, यहाँ पे कितना है 2y, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 जब 4 आ जाएगा, ऊपर प्लस का 4 है नीचे माइनस का 4 आ जाएगा, अगर हम ऐड कर देंगे तो y तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू, ठीक है, चले पक्का श्योर। अब देखो, तो अब हम क्या करें, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जल्दी से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आएगी 2 टू जा 4, कितनी वैल्यू आएगी 2 जा 4, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय या विद, विद लिखते हैं या बाय विद, ठीक है, बाय 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, और किस में ऐड कर देंगे फर्स्ट में, वी गेट हमें क्या मिलेगा देखते हैं अभी, इसको तो अब एच टीज रखेंगे फर्स्ट वाले को, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये कैसे बन जाएगी 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पूरी को, 2 टू जा 4x, 2 टू जा 4y माइनस का 2 टू जा 4, इक्वेशन क्या बन जाएगी 4, ऐड करना है, अभी बोला था जब हम ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होते, क्या है साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है चले। तो ये तो अभी कितना आएगा, तो कट जाएगा अभी 3x प्लस 4x कितना आएगा 7x इज इक्वल 10 प्लस 4 14 आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, x वैल्यू कितनी आएगी 7, 14 बाय 7, तो हाउ मच 2, 7 2 जा 14, या x वैल्यू कितनी आई 2। अब x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, आंसर क्या आएगा करेक्ट आएगा, 3 और 4 में पुट नहीं करना रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है चलेंगे चले पक्का। तो अब करेंगे पुट, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसे पुट करें 1 में 2 में, सिंपल के कौन सा है 2 है, तो 2 में पुट कर दो इक्वेशन 2 में, फिर लिखेंगे v
गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, यहां पे आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आया 2, इतना हुआ। अब x के लिए कितनी है 2, पुट करो 2 into 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इस 4 को उधर ले जाओ, इस 4 को उधर ले जाओ, किडनैप करो तो यहां पे बचेगा माइनस का 2y, ये क्या है 2 तो इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 4 तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 2। अब इस ये माइनस से माइनस कर गया तो यहां पे इसके बाद लिखता हूं मैं y इज इक्वल टू इसके बाद यहां पे तो ये 2 किस में आ जाएगा डिवाइड में 2 2 2 1 जा 2, ओके 2 1 जा 2, ओके नॉट गंजा, ठीक है गंजा नहीं है 2 है, ये कितना x की वैल्यू आ गई 2, ओके y की वैल्यू कितनी आई 2, आंसर u, ठीक है समझ में आया कि नहीं पक्का। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, y की वैल्यू भी कितनी आई 2, आंसर आया u, ठीक है हाँ या ना। तो लिखेंगे x की वैल्यू आई 2, y आया 2, आंसर u, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट एक बार जल्दी से देखो, मैथमेटिक्स में नए वाले मैथमेटिक्स में तो है 3.3 लेकिन ओल्ड वाले में 3.4 है, कौन सी है 3.4, चले। तो नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या है, आपने राइट डाउन कर ली होगी, नहीं किया तो मैं कर देता हूं राइट डाउन, ठीक है बोर्ड पे, ठीक है। तो ये देखो थर्ड जो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये हमें इक्वेशन दे दी, दे दी इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या बन गई डियर फर्स्ट। अब ये 2y इधर है राइट में है तो इसको लेफ्ट में लेके आना है, तो क्या बनेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू ये कितना है 7, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इधर देखो ऊपर देखो नीचे देखो, देखो 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 जल्दी देखो ऊपर देखो नीचे देखो, प्यार से देखना, घूर घूर के देखना है, इसका एनकाउंटर करना है आपको न्यूमेरिकल का, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आपका एनकाउंटर कर दिया तो आप खत्म, तो आप खत्म नहीं हुआ तो हो, इसलिए क्या करना आपको इसका एनकाउंटर कर देना न्यूमेरिकल का, सोल्व कर देना इसको, ठीक है फटाफट बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या 3x, यहाँ पे कितना है 9x, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 2। जब दो नंबर आपस में इक्वल नहीं होते तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल बनाने के लिए क्या है इस 3 को 9 से भी कर देंगे ना, 3 9 जा 27 और 9 किससे कर देंगे 3 से 27 हो जाएगा, 5 को किससे करेंगे इधर क्या है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना है 2 तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो दो नंबरों को उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले को इसके साथ भी और इस वाले को इसके साथ, ताकि इक्वल बनाए हम। अब ध्यान से देखो तो हम क्या करेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर हमें वाई को हटाना है तो ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक केस देखो एक्स वाले में, हमें अगर एक्स को सोल्व करना है मतलब एक्स को हटाना है एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, एक को खत्म करना है, अगर हमें इसको खत्म करना है एक्स को तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 3 जा 9 होता है तो ये भी 9 आएगा और ये भी 9 आएगा, 9 माइनस 9 क्या होता है 0, तो इसलिए क्या करते हैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद, विद भी लिख सकते हो बाय भी लिख सकते हो, विद 3 एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1 और फिर किस में से माइनस कर देंगे फर्स्ट में से, क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो इसको करेंगे 3 3 जा
9x माइनस 3 5 15y, 3 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, 3 से 3 4 12, अब ये तो नीचे वाली डेंसिटीज रहेगी, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 चले कि चले, पक्का बेटा? अब देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या वर्ड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं किसमें, सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है पक्का श्योर। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 15 है और प्लस का 2 है, माइनस का 15 प्लस का 2 तो 13 बचेंगे, और कैसा साइन आएगा माइनस का, तो आएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, तो 12 माइनस 7 कितने होंगे, 5 होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है y इज इक्वल टू, ये क्या है 13 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस 5/13, कितनी आई -5/13, चलेगी चले पक्का श्योर। तो e, अब इसकी वैल्यू किससे पुट करिए, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, ठीक है, तो अब लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5/13, माइनस का है इन इक्वेशन किसमें पुट करो आपकी मर्जी है, ठीक है, मान लिया मैंने सेकंड में पुट कर दिया इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है -5/13 इज इक्वल टू 7, अब ये क्या आएगा 9x माइनस माइनस प्लस 5 2 10 10/13 इज इक्वल टू 7, अभी कितना आएगा 9x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 9x इज इक्वल टू, क्या आएगा 9x इज इक्वल टू, ये आएगा, हमें इसको ऊपर ले देता हूँ, कहाँ ले देता हूँ, ऊपर ले देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर है देखो अब ये है 9x, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 10/13, एलसीएम कितना आएगा बेटा 13 आएगा, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 2, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 3 21 2, 7 और 2 9, तो ये आया 91, माइनस कितना आएगा 10, 91 माइनस 10 81/13, तो ये कितना था 9x था, 9 मल्टीप्लाई में इधर आके किस पे जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो कितना आएगा 81/13 डिवाइड में 9, 9 9 81, तो आया 9/13, कितना आया 9/13, ठीक है इसको रख कर देते हैं, ठीक है y की वैल्यू आ चुकी हमारी, x की वैल्यू आई, चले कि चले, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब वेरिफिकेशन करने तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन करने तो आपको वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, तो ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है, तो x की वैल्यू कितनी आई, x आया 9/13, y आया बेटा -5/13, और ये क्या आया आंसर, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ थर्ड पार्ट, क्लियर है पक्का, तो आगे चले कौन सा न्यूमेरिकल थे थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है एक बार रब कर देते हैं इसको जल्दी से, एक बार क्या है फोर्थ पार्ट को देखो, कौन से पार्ट को, फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट दी हुई है एक्स बाय टू, अगर आपको नहीं लिखनी कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक है एक्स बाय टू फोर्थ पार्ट है, एक्स बाय टू प्लस 2y/3 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है माइनस का 1, और सेकेंड इक्वेशन अभी है दी हुई इसमें एक्स माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो अब देखो यहाँ पे x के साथ कौन है डिवाइड में 1 आ जाएगा, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है नेक्स्ट जो है इसके बाद जो आएगा उसको देखो क्या आएगा, चेक करो एक बार,
क्या आएगा इसमें, एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम जो आएगा 2 3 6 आएगा इधर एलसीएम, ठीक है। अब अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो क्या करो, अलग अलग नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 3x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4y इज इक्वल टू का -1। अब इसके नीचे नहीं है कुछ भी तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब इधर आओ, यहाँ पे कितना है 1 × 3 तो 3 आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, डिवाइड में क्या कर देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस 3x प्लस 4y किससे कर देंगे नीचे वाले से, तो कितना आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 को माइनस 1 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, इतना हुआ। अब इधर आ जाओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 3 जा बेटा 9, ठीक है, चलेगी चले पक्का। तो ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट आई, और ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड, इसको इधर लिख लो यहाँ पे, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब ध्यान से देखो इसमें, अब इस इक्वेशन में यहाँ पे 3x भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3x दिया हुआ है, एक केस इक्वल है, जब इक्वल है साइन भी दोनों के सेम है, उसका भी 3x प्लस में है, इसका भी 3x किस में है प्लस में है, तो ऐड करेंगे तो नहीं कटेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कटेगा, एक तो केस है। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे प्लस का 4y दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का वाई दिया हुआ है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4y आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा ना, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर तो लार्ज हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर दें कि सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, चलेगी चलिए पक्का। इसको रख कर दें, इसको तो रख कर देते हैं, ठीक है, इसको नहीं करते, इसका काम है नेक्स्ट, देखो चले डियर, अब देखो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अभी यहां पे लिख देता हूं मैं, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 6, ये तो ऐसे ही, अब यहां पे एक बार लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, सबट्रैक्ट ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 3 और क्या बन जाती है इक्वेशन 4, हमने क्या किया सबट्रैक्ट किया है ना, तो यहाँ पे कैसे साइन है प्लस का, देखो प्लस का कैसे है, यहाँ पे 3 के साथ कोई साइन दिया ही नहीं हुआ, जब किसी के साथ कोई साइन नहीं दिया होता है इसका मीनिंग होता है कि वो क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है बेटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दोबारा सुनो, अगर किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस नहीं लिखा होता, सिंपल होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्ट करें तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, चले अब ये तो कट गया। अब देखो ऊपर देखो, प्लस का 4y प्लस का y, प्लस का 4y प्लस का y, 4 प्लस 1 5 तो आएगा 5y, ठीक है, कितना बन जाएगा 5y, देखो बेटा ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 9 है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस ही आएगा, 6 और 9 कितना होता है 6 प्लस 9 15 होता है, तो आ जाएगा माइनस का 15, कितना आएगा माइनस का 15, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू माइनस का 15 बाय में 5, तो कितना आएगा माइनस का 3, y कितना आया माइनस का 3, अब y की वैल्यू आपकी मर्जी, 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, देखो y अकेला इसमें है तो मैं किसे पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूं, ठीक है, तो लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा डियर देखो इधर आओ, तो ये कितना दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9,
इस थ्री को कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का थ्री हो जाएगा। तो मैं ऊपर राइट करता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, इसको रख कर दे, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको भी कर देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, तो कितना बचा, सिक्स। थ्री किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइडेड आ जाएगा बेटा। तो x इज इक्वल टू सिक्स बाय थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो टू आ गया। x की वैल्यू आई टू, y की वैल्यू आई कितने आई थी, माइनस थ्री, तो आंसर u, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके चारों के चारों पार्ट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है सेकंड। अब सेकंड के कितने पार्ट है, फाइव पार्ट हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके भी इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या है अभी सेकंड में, कि फर्स्ट इसमें तो हमें इक्वेशन डायरेक्ट दी हुई थी, ठीक है। तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। लेकिन अब इस सेकंड न्यूमेरिकल में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट मतलब वर्ड्स में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन वर्ड को कन्वर्ट करेंगे किस में, इक्वेशन बनाने में। जब हम इनको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम क्या है, एक्स या वाई की जो भी वेरिएबल आपने माने हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे, किसका यूज करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। चले कि चले, पक्का श्योर 100%, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, सेकेंड न्यूमेरिकल। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तब तक आप सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को क्या कर लो, रीड कर लो एक बार, ठीक है। अब ये कौन से न्यूमेरिकल हैं, स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल हैं। स्टेटमेंट से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन, क्या बनानी है, इक्वेशन, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सेकंड का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कौन सा फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखो एक बार, क्या स्टेटमेंट जो आएगी उसको एक बार चेक करो, करो, रेडी किया आपने स्टेटमेंट, कर ली स्टेटमेंट रेडी, नहीं की जल्दी करो ना। ओके, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्या आएगा न्यूमेरिकल में, जल्दी देखो एक बार क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल। वैसे आपके पास भी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स होगा तो उसमें आप क्या है, रीड कर सकते हो। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, हमें क्या है, पहले तो पेयर बनाना है इक्वेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर हमें क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना, इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये दिया। अब सेकंड देखो, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्या कहता है, फ्रैक्शन वाले नंबर है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, मैं क्या है, डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इफ वी एड वन टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में तो एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में से एक क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो फ्रैक्शन रिड्यूस, फ्रैक्शन कितना बन जाता है, वन, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है रैशनल नंबर, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, तो ऐसे ही कितना बन जाएगा, वन मिलेगा हमें। दूसरा पार्ट क्या कहता है, जो फ्रैक्शन नंबर है, इट का मतलब है फ्रैक्शन नंबर बिकम वन बाय टू, हमें कितना मिलता है, वन बाय टू, कब, इफ वी एड ओनली वन टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में वन ऐड करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, वन बाय टू मिलेगा, ठीक है बेटा, पक्का श्योर। थी व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन नंबर क्या है निकालना है। चले तो लेट मानते हैं, लेट फ्रैक्शन नंबर क्या है, लेट फ्रैक्शन जो नंबर है बेटा वो मान लिया हमने एक्स बाय वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमिनेटर में तो हमने वन ऐड किया, ऊपर वाले में, ऊपर वाला है x, उसमें वन ऐड किया, और नीचे वाले में से डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट किया,
तो हमें क्या मिलता है फ्रैक्शन वन, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये थी, ठीक है। उसी में सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ वी एड ओनली वन, ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसमें हमें वन ऐड करना है, इसमें केवल डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले में ऐड नहीं करना। तो डिनोमिनेटर में ऐड किया तो हमें कितना मिलता है, वन बाय टू। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हो गई हमारी। अब देखो ऐसे इसमें दिया हुआ कि क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, ठीक है, इसको 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 यहाँ से किसको, ठीक है, चलेंगे चले, हाँ है ना। तो देखो x प्लस वन को वन से कर देते, ये x प्लस वन आएगा इज इक्वल टू y माइनस वन को वन से करो, कितना आएगा y माइनस वन आएगा, y को किडनैप करो इधर लेके आओ तो क्या आएगा, x माइनस y आएगा। अब इधर तो माइनस वन था ही, ये वाला पद उधर जाके किस पर जाएगा बेटा, माइनस का वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस टू, ये इसमें क्या आ गया बेटा वन, ठीक है। अब इधर आओ, इधर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 2x is equal to y plus 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, y आएगा ना, तो y। अब 1 को 1 से करो तो कितना आएगा 1, किडनैप करो y को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हंस रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा, रोने लगेगा ये, ठीक है। तो ये चलिए चलिए, दिन है तो रात है, रात है तो दिन भी है, अगर पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो पढ़ना ही है ना, और हम लगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आप भी पढ़ना, ठीक है। तो 2x ये क्वेश्चन क्या आ गई, सेकंड, कौन सी क्वेश्चन आ गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये आई क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट को देखो सेकंड को देखो, देख लिया आपने, इकट्ठा लिखते हैं, इसको रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, ऊपर लिखते हैं x माइनस वाई माइनस टू, ये इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, तो ये क्या है 2x माइनस वाई है इजिकल टू वन है, और ये क्या है इक्वेशन नंबर टू है, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर टू। चले क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं अपना, ठीक है, टॉपिक का। तो फर्स्ट और सेकेंड हमने लिख लिया, अब देखो बेटा यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, y के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1, दोनों सेम है। तो अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर दे, माइनस कर दे, या इक्वेशन सेकंड को 1 में से सबट्रैक्ट कर दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये भी y है ये भी y, कोफिशिएंट सेम है ना y के, ठीक है। तो ये देखो अब करते हैं हम सबट्रैक्ट, सब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगी, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे 3, और ये क्या आएगा, पहले लिख दे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1, इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, कट गया भाई, ठीक है, यहाँ पे 1x का प्लस में है, और ये क्या है माइनस का 2x, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का x बचेगा 1 बचेगा, ये माइनस का 2 ये माइनस का 1, तो माइनस 3 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 3। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। चले बेटा पक्का, तो अब हम करते हैं वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, x की वैल्यू से पुट करो तो क्या आएगा, देखो तो वो तो लिखना, तो वर्डिंग तो लिखनी है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट किया बोलो, जोन सी में कहोगे वही से, 1 या 2, 1 में से कर दे, कोई से पुट करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट किया, माइनस का 2, माइनस y इधर ही रखो, इस 3 को उधर ले जाओ, प्लस का 3 तो किस का होगा, माइनस का 3, ये माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, लेफ्ट में भी माइनस और राइट में भी क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 5,
कट जाएगा माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आई 5, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 5, और फ्रैक्शन क्या था हमारा x by y, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट को उड़ाना पड़ेगा हमें, इतना हुआ x आया 3, y आया 5, तो रब करें इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, राइट डाउन कर लिया होगा नोटबुक में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको ही रब करें, तो ऐसा साइंस क्लासेस है ना, ठीक है, ऑफिशियल वीडियो है, ठीक है, ठीक है। x वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो फ्रैक्शन नंबर कितना आया हमारा 3/5, क्लियर हुआ, ये न्यूमेरिकल हुआ हमारा, ठीक है, वर्ड्स वाला फर्स्ट पार्ट। अब हम करते कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट करें, ठीक है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट, क्लियर है, सो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखो सेकंड का सेकंड पार्ट, अब ये एज वाला कंसेप्ट है, जैसे एज का है ना कंसेप्ट है इसमें, इससे पहले वाले लेक्चर में टॉपिक में एज कंसेप्ट किया था, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या है इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है, चलेंगे चलें। तो नेक्स्ट देखो, अभी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपके पास है, मैथमेटिक्स है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। अभी कहता है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जो नूरी है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एक नूरी है, एक सोनू है, ठीक है, 5 साल पहले नूरी कहती है कि सोनू से वो 3 गुना ज्यादा है, वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहला तो ये 5 साल पहले, एक पहले कंसेप्ट आया, एक बाद का आएगा, तो बाद का क्या लिखेंगे इसमें, लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, अब यहाँ पे ट्वाइस पढ़ रहा है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 2 से, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और किसके साथ, सोनू के एज के साथ, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी, चलेगे चले बेटा पक्का, तो लेट मान लेते प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, किसकी एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, मान लिया हमें कितना है, एक्स ईयर, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सोनू की, हमें मान ली कितनी ईयर है, सोनू की एज है वाई, हमें नहीं पता, वो निकालना है, ठीक है, चले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो कहता है 5 ईयर है वो, 5 साल पहले, तो क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, एक कंसेप्ट एक आएगा 10 ईयर लेटर, क्या है, 10 ईयर्स लेटर, यह है 10 साल बाद, कितने, 10 साल बाद, 10 साल बाद में, ठीक है, चलेंगे चले पक्का। अब देखो क्या कहते हैं, 5 साल पहले, मान लिया आपकी एज है अभी 10, मान लिया, तो 5 साल पहले कितने के थे, 5 10 -5, तो माइनस करते हैं ना प्रेजेंट एज में से, तो 5 साल पहले, तो क्या है यहाँ पे, तो एज ऑफ नूरी लिखेंगे, नूरी एज, इसकी एज नूरी एज, एन यू आर आई, नूरी एज कितनी आएगी, एक्स माइनस 5, और सोनू की एज कितनी आएगी, सोनू एज वो आएगी वाई माइनस 5, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जो नूरी की एज है ये वाली एक्स माइनस 5, नूरी की एज सोनू की एज से कितनी ज्यादा है, 3 times, thrice का मतलब 3 गुना ज्यादा है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आया, एक्स माइनस 5 जो 3y आएगा, 3 को 5 से लो तो माइनस का 3 आएगा, y इधर प्लस का है, इधर आके किसका जाएगा बेटा, माइनस का, कहेगा एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y
और ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, इतना हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड निकालनी है। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, तो नूरी एज कितनी होगी, नूरी एज मान लिया कि आप 10 साल के हो, तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 20 के। तो आपने क्या किया, ऐड किया, तो लेटर के केस में बाद वाले केस में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो इसलिए ऐड करेंगे। नूरी एज क्या आएगी, x प्लस 10, और सोनू एज कितनी आएगी बेटा, सोनू एज y प्लस 10। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है जो नूरी की एज है वो सोनू के एज से ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस, ये लिखा हुआ इसने। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से क्या है, एज से डबल है। तो यह क्या है, यहाँ पे x प्लस 10 नूरी की एज, तो डबल है इससे सोनू के से, तो सोनू के जो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 2y, ये भाई इसके साथ करोगे तो 2 को 10 से तो कितना आएगा, 20। 2y को इधर ले आओ, कटने करो तो क्या जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये किस चीज का है, प्लस का 20 है इधर तो रहेगा, और ये किसका है, प्लस का 10 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 माइनस 10, तो 10 आया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। चलेगी, चले पक्का, हमने इक्वेशन 1 भी निकाली, इक्वेशन 2 भी निकाली, अब हमें किसका यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का हमें यूज करना है। चले इस पर हम कर दे, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे केवल और इक्वेशन नंबर सेकंड को रखेंगे, ठीक है, और सारे को क्या कर देंगे, रख कर देंगे। चले तो नेक्स्ट है, अब देखो इसमें इसको लिखते हैं हम एक्स, ये क्या आएगा, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू का 10, इक्वेशन कौन से बेटा, सेकंड। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे अकेला x है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना, आंसर आएगा ना, तो आंसर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, लिखो जल्दी से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से एक बार करो इसको, सब्ट्रैक्ट करना एक बार जल्दी से, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, क्या आएगा चेक करना, निकाल लिया होगा, ठीक है, पर जल्दी चेक करो, निकालना एक बार, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है, कौन सा मेथड का यूज करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो जल्दी करो सॉल्व, क्या आया, निकाल लिया, आ गया आंसर, कितना आया, आया कि नहीं आया, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिनका आ गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो जिनका नहीं आया, ठीक है, उसको हम भी ट्राई कर लेते हैं, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, चले ओके, टॉपिक पे हम चलते आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, अब यहाँ पे करेंगे तो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्टिंग इसकी ये इक्वेशन कौन सी होगी, 3, ये कौन सी इक्वेशन आएगी, 4, सब्ट्रैक्शन के इसे बताया था कि साइन कराते हैं चेंज, ये प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का, और ये प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का, तो ये तो कट गया, माइनस का 3 बचा और प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 1, तो ये माइनस वाला जाएगा, ये माइनस 10, ये भी माइनस 10, तो माइनस आएगा 10 और 10 20 आ जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, घट जाएगा माइनस,
तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20, y की वैल्यू 20 आई। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। चले पक्का बेटा, श्योर? तो पुट करते हैं, किसे पुट करें, वन में या टू में, आपकी मर्जी बताओ, जौन सा भी करना है, वन में करना है वन में करो, टू में करना है टू में करो, किसे पुट कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो ये अब करते हैं पुट, y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसे पुट करें, फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में पुट कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, x माइनस 3y माइनस 10, इक्वेशन वन है ना ये। अब इसमें y के लिए 20 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 20, y के जगह पे 20 पुट कर दिया पुट। अभी x 23 जा 60 या 20 दिया 60, माइनस का 10 आया, तो ये कितना आया, माइनस का 10 है उधर रहेगा, और ये 60 का माइनस का 60 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, तो आएगा प्लस का 60 इज इक्वल टू कितना बचा 50, क्योंकि 60 माइनस 10 50 बचेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 50, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई थी कितनी 20, y था हमारा 20। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी, न्यूरी की एज कितनी थी, मान ली थी x मान के चले थे, x की वैल्यू पे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और सोनू की एज कितनी आएगी, y माना था ना हमने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो कितना आ जाएगा 20, 50 ईयर और ये कितना आएगा 20 ईयर्स, एक 50 साल की है नूरी और सोनू कितना है 20 साल का। ठीक है, पक्का, श्योर? तो ये क्या है, अब इसका वेरिफिकेशन करता हूँ, वेरिफिकेशन करो, देखो यहाँ पे पुट करोगे 50 पुट किया, 220 40 50 माइनस 50 10, ये तो वेरीफाई आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइम पुट करोगे 50, वाई की वैल्यू कितनी है 20, 20 3 60, हाँ 50 माइनस 60 तो माइनस 10। ठीक है, ये जब वेरीफाई करोगे आप x और y की वैल्यू नूरी और सोनू की एज, तो क्या है वो करेक्ट आएगी वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसका एक न्यूमेरिकल भी है एग्जाम्पल, इसी न्यूमेरिकल जैसा एग्जाम्पल भी है, जल्दी से स्टेटमेंट को एक बार रीड करो। अब कौन सा पार्ट है, सेकंड वेरिएबल का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा सेकंड वेरिएबल का, अब सेकंड वेरिएबल का है थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, अब जो थर्ड पार्ट क्या कहता है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, हमें दो डिजिट का नंबर दे रखा है, उनकी डिजिट का सम कितना है 9 है। ठीक है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर, हेडिंग आपके पास दी हुई है। ठीक है, अभी क्या कहता है कि दो डिजिट का नंबर दिया हुआ है हमारे पास, अब दो डिजिट में हमें उन सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करें तो उसका सम कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो ये केस पहला तो हुआ, उसके बाद क्या कहता है, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम का मतलब कि ओरिजिनल नंबर जो है उसका कितना टाइम, 9 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक केस। फिर क्या कहता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट, 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम किया, 9 टाइम करने के बाद, ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, हमने फिर क्या किया, उस डिजिट को हमने चेंज कर दिया, जो पीछे था वो आगे रख दिया, आगे वाला पीछे रख दिया। ठीक है, रखने के बाद जो नंबर आया, नया जो नंबर आया उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, क्या निकालना हमें, नंबर। ठीक है, चलिए चलिए पक्का, तो अब देखो ध्यान से, सबसे छोटा टू डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, और हाईएस्ट कितना होता है, 99, ये भी टू डिजिट नंबर है, ये टू डिजिट नंबर है, तो देखो इसको 99 को आपने लोअर क्लास में किया, इसको करते हैं 9 into 1, फिर इसको क्या करते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 10, तो क्या होता है 9
और ये कितना आएगा 90, दोनों को ऐड करते हैं ना, तो ये क्या होता है 1 प्लेस, ये क्या होता है 10 प्लेस, 1 मतलब यूनिट प्लेस, 3 क्या आएगा 10 प्लेस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इकाई दहाई, ठीक है, ये केस होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लेट हम मान के चलेंगे पहले टेंस वाला, लेट रेस में बोला है ना द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9, तो मान लेते हैं लेट टेंस, लेट टेंस डिजिट, लेट टेंस डिजिट नंबर वो मान लिया हमने x, क्या मान लिया बेटा x मान लिया, ठीक है, क्या माना x, इतना फिर हमने माना वंस डिजिट, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो यूनिट डिजिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट नंबर तो वो मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इस डिजिट को और इस डिजिट को हम ऐड करते हैं तो सम कितना आता है 9, ये कहता है, देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, हम इस डिजिट को और इस डिजिट को जब ऐड करते हैं तब नंबर का सम कितना आता है 9 आएगा, ठीक है, तो 9 लिखेंगे, तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दोबारा सुनो लास्ट टाइम, इस डिजिट को x को और y वाले को ऐड करेंगे तब कितना मिलेगा हमें 9, तो x प्लस y कितना है 9, इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, जो ओरिजिनल नंबर आएगा, देखो ये 99 कैसे लिखेंगे, 99 को 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 ये होता है ना, तो ये x, ये क्या है y, तो ओरिजिनल नंबर जो आएगा वो आएगा 10x प्लस y, देखो ना ये हमने अभी किया 99 है मान लिया, ठीक है, 99 को क्या लिखेंगे 9, ये आपने किया था ना 9 ones tens, तो ये नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे, तो 9 क्या है x और ये क्या है 10 और ये क्या है y मान लिया, ठीक है, तो ये 10x प्लस y ओरिजिनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है ओरिजिनल, इस ओरिजिनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 टाइम, कितना टाइम, इस नंबर को 9 टाइम किया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर कहता है कि इनकी डिजिट को चेंज कर दिया, डिजिट चेंज का मतलब है उल्टा कर दिया, पहले y लिखा फिर x लिखा, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x आ जाएगा, इसका कितना टाइम आएगा, इसका कितना टाइम आएगा, ये आएगा आपका कहाँ गया ट्वाइस, क्या लिखा हुआ है ट्वाइस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस, ठीक है, ये समय क्लियर है श्योर, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो 9 को 10 से करोगे कितना आएगा 90x प्लस 9 को y से करोगे 9y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा 20y प्लस 2x, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ 90x, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x, ये 20y इधर ही रखा, 9 को इधर लेके गए तो ये आ गया 90 में से 2 गए 88x, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 20 में से 9 गए 11y, अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 11y, इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे 11y इज इक्वल टू 88x, यहाँ पे आएगा 88x बाय में 11, 11 8 जा 88 की वैल्यू कितनी आई 8x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8x, ठीक है, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 17 है। अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, ओ हमने तो वो करना है ना, कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्टिंग जब अगर इसको इधर लेके आएंगे, देखो इसको इधर लेके आओगे या इसको इधर ले जाओ, तो ये आएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, मैंने y को इधर लेके गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 0 बचेगा, तो इसलिए 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस का y है बेटा और यहाँ पे किसका है माइनस का y है, तो दोनों क्या कर देंगे ऐड करेंगे, तो y हट जाएगा, तो किसकी वैल्यू आएगी x की, ठीक है, चले श्योर, तो रख कर दे इसको यहाँ से इतना, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई वाला। अब देखो ये क्या कहता है, इसलिए
अब साथ के साथ लिखो इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू क्या है बेटा, एट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन टू। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं क्योंकि माइनस है ना, अब ये प्लस तो ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखो जल्दी से ये आएगा 9x, ये तो कट, अभी नहीं काटना, 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 पहले इक्वेशन बनाएंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 3 आई, फिर क्या आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर 4 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, ये तो कट गया, ये कितना आया 9x, ये कितना 9, 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 9 कट के 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आई 1, अब ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो आंसर आ जाएगा। तो किसे पुट करें, मान लो इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर दो चाहे, तो लिखो पुट, क्या करो पुट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी फर्स्ट में पुट कर दी, मान लो तो क्या आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9 है बेटा, x वैल्यू y 1 y 9, तो ये कितना आएगा 1 को जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस में कितना होगा 8, y इज इक्वल टू 8 और x वैल्यू कितना है बेटा 1, तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर जो आया पहले हमने क्या लिखा था x, फिर क्या था y, तो ये बन जाएगा 1 और 8, पहले लिखा था ना x y, ये x y जैसे 99 लिखा था उसको हमने माना था 10 प्लेस, ये था 1 प्लेस, तो x y, तो x की वैल्यू y 1 और y 18, चले कि चले पक्का श्योर, ठीक है चले, तो ये वैल्यू क्या है, नंबर जो आया हमारा 2 डिजिट नंबर, तो क्या लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, वो कितना आया 18, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है चले श्योर। देखो अगर वेरीफाई करना, अगर आपको वैल्यू तो इसे पुट करके देखो, x वैल्यू 1, 1 प्लस 8 9, 9 इज इक्वल टू 9, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करके देखना है, मान लिया 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, ठीक है 8 इंटू 1 माइनस y के लिए कितनी है 8 माइनस 8 0, तो ये वेरीफाई हो गया, तुम्हारा आंसर क्या है करेक्ट है, हमारा आंसर क्या आया करेक्ट, ठीक है चले। तो ये न्यूमेरिकल हुआ हमारा, कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा पार्ट था ये थर्ड पार्ट, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट, ठीक है फिर क्या आएगा फिफ्थ पार्ट, चले श्योर पक्का। तो अब नेक्स्ट है बेटा, चले रब कर दे इसको, अब जल्दी करो इसको, तो नेक्स्ट पर रीड करना स्टेटमेंट को, दोनों न्यूमेरिकल और रहते हैं इस एक्सरसाइज के हमारे, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो करें स्टार्ट, तो एक बार रीड करो, देखो स्टेटमेंट को क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू ड्रॉ रुपीज 2000, मीना कहाँ गई, बैंक में गई और उसने क्या किया, दो हजार रुपये निकलवा लिए, 2000 रुपये 2000 रुपये निकाले। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, कौन मीना गई कहाँ, बैंक में गई, उसने कैशियर से मांगा कि मुझे भैया 2000 रुपये दे दो और 50-50 के नोट दो और 100-100 के नोट दो, मेरे को केवल 50 के नोट दो और 100 के, ठीक है 200 का या 500 का नोट मुझे नहीं चाहिए, ना 10 का चाहिए हमें, कि मेरे को केवल 50 का चाहिए नोट और 100-100 वाले नोट चाहिए, ठीक है ये केस। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को कितने नोट मिले, 50 रुपये वाले को मिला के और 100 रुपए वाले नोट को मिला, कितने हुए उसके पास टोटल 25 हुए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव, मैंने उसने क्या लिखा है, इसमें फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, कि 50-50 के कितने नोट लिए उसने और 100-100 के उसने कितने नोट लिए, ठीक है हमें वो करना है, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे, लेट मान के चलेंगे, तो ये है सेकेंड का कौन सा पार्ट है बेटा फोर्थ पार्ट, लिखते हैं लेट 50 रुपीज नोट्स,
₹50 के जो नोट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं x, और ₹100 नोट्स कितने ले लिए मान लिया y, ₹100 डन। ऐसे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स या ₹50 नोट्स x, ठीक है, ₹100 नोट्स कितने हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, उसने टोटल रुपए कितने लिए, टोटल रुपए कितने लिए, 2000 निकलवाए ना, जब 2000 रुपए निकलवाए तो क्या करेंगे, 50 वाले नोट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो 50x, ये तो नोट्स हैं और ये रुपए हैं, तो 50 वाले रुपए मल्टीप्लाई नोट्स आपस में करते मल्टीप्लाई करते रुपए आ जाएंगे, तो कितना आएगा 100y, और कितने निकाले उसने 2000, ठीक है, ये तो है फर्स्ट। अब ये क्या, देखो इसमें अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल ले सकते हो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 50, तो 50 कॉमन ले लो, यहाँ पे कहेगा x प्लस 2y, छोटा हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा, लेंथ ही नहीं आएगा, तो ये 50 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाय में 50, जीरो से जीरो कट गई, 5 4 20, तो ये 40, तो x प्लस 2y कितना आ गया बेटा 40 आ गया, ये और छोटे हो ना इक्वेशन देखो, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई ये फर्स्ट। अब आगे क्या कहते हैं, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के, तो टोटल नोट कितने होते हैं 25 दिया, 25 होते हैं, तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के कितने नोट हुए टोटल 25, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड, कौन सी इक्वेशन आई सेकंड, ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं इसको, तो नेक्स्ट है, यहाँ तक उतार लिया श्योर, तो रब कर दें, तो नेक्स्ट है इसको देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आई x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर क्या आई टू। अब देखो यहाँ पे 2y, यहाँ पे y, यहाँ पे x, तो क्या करें सबट्रैक्ट कर दें, x कट जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से माइनस किया तो वी गए, हमें क्या मिलेगा जल्दी बताओ, क्या आएगी इक्वेशन, क्या आएगी जल्दी बताओ, जो इक्वेशन आएगी इसको तो रखो, अब सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा सब्ट्रैक्ट करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 3, अब 4 क्या आएगी x प्लस y इज इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन क्या होंगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया बेटा, ये प्लस का 2y माइनस का y, 2 माइनस 1 तो 1, तो y आया, 40 में से 25 गए, कितने बचेंगे 15 बचेगा, तो कितना आएगा 15, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को किसे पुट करो, चाहे 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर, तो क्या करें पुट करते इसकी वैल्यू को, थोड़ा पुट क्या आएगा जल्दी पुट करो इसको, क्या वैल्यू आएगी इसकी, जो वैल्यू आएगी तो पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 15, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, किसे पुट करो, किसे पुट करो आंसर तो आना ही, मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स वाई के लिए कितने बेटा 15, 25 x, उधर ये 15 उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 25 में से 15 गए, 25 में से 15 गए 10, तो x वैल्यू कितनी आएगी 10 बस, ठीक है, x वैल्यू आई 10 और y वैल्यू 15, ये आ गया, तो जो 50 रुपए के उसने नोट्स लिए थे, ठीक है, वो कितने आए 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15, 10 प्लस 25 सॉरी 10 प्लस 15 25 के बराबर आएगा, ये वेरीफाई हो गया हमारा, तो ये आंसर क्या है करेक्ट, ठीक है, तो ये इन वेरिएबल हुआ हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट मेरिकल है इस एक्सरसाइज का, वो है इसका कौन सा पार्ट है, अब फिफ्थ पार्ट, ठीक है, चले करें, तो फिफ्थ पार्ट देखो जल्दी से, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थर्ड चैप्टर की, तो उसके बाद करेंगे हम फोर्थ चैप्टर, ओके, गति देनी है,
ठीक है, गति। नेक्स्ट देखो, अभी क्या कहता है, लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, ठीक है। आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, है, आपने कोई बुक इश्यू करवाई, ठीक है, आपने मान लिया उस बुक को 3 दिन रखा, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, कितने दिन का, 3 दिन का कितना चार्ज है, फिक्स। उसके बाद जैसे जैसे आपने एक एक दिन एक्स्ट्रा किया तो चार्ज क्या होता जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाएगा। एक आएगा फिक्स चार्ज, एक आएगा एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज मतलब पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वो केस है, देखो क्या कहता है फिफ्थ पार्ट। ए आपके पास होगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ओपन करो, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको क्या देंगे। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, उसमें आपने उसमें से कोई बुक ली और 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर आपने 4 दिन रखी या 5 दिन रखी बुक को, तो आपका चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सरिता पे 27 रुपीज फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डे। सरिता थी, उसने बुक ली कितने दिन, 7 दिन बुक ली, 7 दिन, 7 डे बुक रखी, कितने रुपए दिए, 27। तो देखो 7 डे में से 3 तो फिक्स हो गए, बाकी बचे कितने, 4। तो 4 का उसने क्या किया, एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है। तो ये केस। नेक्स्ट है वाई सुशी पेड रुपये 21। सुशी है, उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए, किसके लिए, बुक के लिए जो उसने लाइब्रेरी में से ली थी, और कितने दिन ली, 5 डेज। 5 में से 3 तो फिक्स हो गए, फिक्स चार्ज मान लिया एक्स था, और पर डे का कितना लिया था वाई, ठीक है। तो उसको करेंगे, तो आगे क्या कहता है, फाइंड द, क्या कहता है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। क्या करना, हमें एक्स्ट्रा डे वाला चार्ज निकालना है। चले स्टार्ट करें, श्योर। तो हेडिंग देखो, तो कौन सा पार्ट था ये, ये था हमारा फिफ्थ पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट। लेट फिक्स चार्ज कितना मान लिया हमने, लेट फिक्स चार्ज वो ले लिया बेटा एक्स, और एडिशनल चार्ज कितना लिया पर डे के अकॉर्डिंग, क्या एडिशनल चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग कितना मान लेंगे, वाई ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, सरिता ने क्या किया, सरिता ने बुक ली कितने दिन के लिए, 7 डे के लिए, ठीक है। जब उसने 7 डे के लिए बुक ली तो कितने रुपए दिए, 27, कितने, 27। चले कि चले, तो 7 डे में से पहले कौन सा कंसेप्ट है, 7 डे का, ठीक है। अब सरिता क्या कहती है, उसने बुक कितने दिन रखी, 7 डे रखे, 7 में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन का कितना चार्ज है, एक्स है। तो फिक्स चार्ज कितना हुआ, एक्स, 3 दिन तो ये हो गए, बाकी कितने कितने हमसे, 4, तो कितना आएगा, 4, और 1 दिन का कितना चार्ज है, वाई, तो 4y। ये तो 3 दिन का फिक्स है, इसको हम 3x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको तो सिंपल x लिखते हैं, फिक्स लिखा कि 3 डे का चार्ज कितना है, x, ये सिंपल आएगा x। 7 है, 7 के पार्ट हो गए 3 + 4, ये तो फिक्स चार्ज प्लस एडिशन चार्ज, तो एडिशन चार्ज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेज से। कितने रुपए दिए उसने, 27। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, इक्वेशन क्या आई, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखो, अब कौन थी, सुशी, इसने क्या किया, इसने बुक ली कितने डेज के लिए, 5 डेज, 5 डेज के लिए, इसमें 3 डे फिक्स हो गए, बाकी कितने बचे, 2, तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, और ये कितना है, 2 × y। उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपीज, 21 रुपीज, ठीक है। सॉल्व करें आप, तो ये क्वेश्चन क्या आ गई, सेकंड। तो इसको इकट्ठा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इकट्ठा राइट करें, इसको रब कर दो, ये आ गया, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, अब राइट इकट्ठा ही लिख लेते हैं इसको, तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस 2y = 21। इक्वेशन नंबर 2, देखो यहाँ पे भी x बेटा, यहाँ पे भी x, दोनों प्लस प्लस किया, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ऊपर भी x नीचे भी x है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे, लिखो सबट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट, ऊपर ही ले देता हूँ ना, ले देता हूँ सबट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा वी गेट। तो ये देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाते हैं साइन चेंज होते हैं ना, क्या हो जाएंगे साइन चेंज। जब साइन चेंज होंगे तो मैं इसी में कर दूं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लेंगे, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन नंबर फोर, ए माइनस 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 ये कट गया, ये कितना आया फोर माइनस टू, तो टू वाई इज इक्वल 27 में से 21 गए 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जरा किस में डिवाइड में 2 3 जा 6, तो कितना आया वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, ठीक है वाई 3 आ गई। तो वाई की वैल्यू 3 किसे पुट की 1 या 2 में पुट कर दी, ठीक है लिखते हैं पुट वाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने वो इक्वेशन फर्स्ट ही एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, कौन सी थी ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, ठीक है। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे y की, तो कितना आएगा 4 इंटू 3 कितना आया 12 27, 12 को उधर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 27 में से 12 गई, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, तो 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x आया 15 y आया 3, तो आंसर लिखेंगे फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज के लिए कितना हो जाएगा x की वैल्यू 15 है, और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है y वो कितना है 3 रुपीज, ठीक है आया ना, ये कितना 3 रुपीज, ये कितना है 15 रुपीज, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.3 कौन से मैथमेटिक्स में, न्यू मैथमेटिक्स में, लेकिन ओल्ड में ये 4 है, ये हमारी क्या हुई कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ओके। तो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी पता लगे, ठीक है, उनका बेनिफिट हो जाए, ठीक है, आप आपका तो होगा अच्छे मार्क्स आएंगे, किसी और का भी हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, थैंक यू।